अनंत कोटि भगवान श्री जांबोजी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए देव तुल्य जो आज मेरे सामने सभा विराजमान है उनको मैं नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूं। और मेरे प्रिय जो साथी गायक मंडली में भाई गजेंद्र, इनके पिताजी मेरे सखा थे, मित्र थे, और लगभग 20-25 साल हमने साथ बिताए। समय का तकाजा है, गुरु जांबोजी महाराज कहते हैं इस गढ़ में कोई देर नहीं रहवा, निश्चय चाल गया गुरु पीर। सजनों, दुनिया में सारी बात अनिश्चित है, लेकिन इस संसार से जाना ये तय है। हालात और परिस्थितियां इंसान के मार्ग को बदल देती है, तब समाज की समझ सीमाएं तोड़कर ऐसी फिसलन भरी सुरंग में उतर जाता है जहां से फिर इंसान कभी ऊपर नहीं उठता। सजनों, सम्मानित मंच, मेरे जितने भी ये म्यूजिक साथी है, मैं इनको भी वंदन करता हूं। मैं इनके द्वारा हूं जो कुछ हूं, इसलिए इनको बारंबार नमस्कार। सजनों, भाई गजेंद्र राव ने आप लोगों को मेन मेन बातें तो सब बता दी। अब मैं, मेरो नंबर आयो है क्योंकि मैं तो रिटायरमेंट मत है जो लादू जी, मैं तो रिटायरमेंट हाँ ए उग्यार मन होनो है। सजनों, ये जांबोजी महाराज का तीर्थों का भजन है, यानी विष्णोई समाज के 8 धाम है। और जीवन में अगर किसी भी विष्णोई बंधु ने इन 8 धामों की यात्रा कर ली तो सदनों उसकी जुक्ति और मुक्ति की दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती। अरे सा सदनों, नफा हमेशा भाव में होता है, वस्तु में नफा नहीं होता। अगर आपका भाव है, दुनिया की कोई ताकत आपके नफे को नहीं काट सकती। और भाव नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नफा नहीं दे सकती। इसलिए सारी बात इंसान के भाव पर निर्भर है। गुरु जांबोजी महाराज कहते हैं जो मंदिर जाता है, सत्संग जाता है, तीर्थ यात्रा जाता है, अगर उस इंसान की 3 चीजें अगर शुद्ध और पवित्र होती है, वो भगवान के दरबार से कभी खाली नहीं आता। अरे सा, और वो 3 चीजें, पहली बात भाव। जांबोजी कहते हैं साकी में न्यू निर्मल भाव, फिर आपका साधन। सजनों, साधन का भाव के साथ में बहुत भारी रोल होता है। जैसे आपको मुकाम जाना है और आप अहमदाबाद वाली गाड़ी में बैठ गए, 500 नारियल चाड़ी अहमदाबाद जाऊं दी रुके, क्यों कह दोए मन दोए दिल सुनिए न कथा, दोए मन दोए दिल पंथ दूहेला, दोए मन दोए दिल गुरुवे नहीं चेला।